कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M6 प्लस 5G डिवाइस की टॉप 30 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको फोन को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से कर लें। ये फ़ोन ले लिया है तो ये फ़ोन परम तो बेस्ट फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि गाइज आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप इस पर डबल टैप करोगे तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोल दिया। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो गाइज यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट भी ओपन हो सकता है। अगर आप अपना वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो आप रखना चाहो वो सब आप रख सकते हो। अभी मैं आपको करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर गाइज डबल टैप करोगे स्क्रीन में तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो सकती है। जैसे अगर आप ऐसे डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन को पूरा यूज करना सिखा दूंगा। इस फोन की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो गाइस सबसे पहली चीज आपको इस फोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस वो देखने को मिलता है जो आपका जो MI का MIUI डायलर रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी हाइपर OS ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो आपका जो डायलर है उसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायलर है आपका वो सिंपल सा है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, मतलब कि इस फोन के अंदर आपको गूगल डायलर देखने को नहीं मिलता। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी रहती है बिना किसी अनाउंसमेंट के तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर MIUI का जो डायलर रहता है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी क्योंकि जो लोग कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आपका जो होम स्क्रीन है अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। बस सिंपल सा आपको वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है। जैसे आप प्रेस एंड होल्ड रखोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला वॉलपेपर, अगर आपको वॉलपेपर कस्टमाइज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो विजिट्स का एक सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप विजिट्स पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि लॉक। अगर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ये लगा के दिखा दूँ, आप इस लेआउट को सिंपल तरीके से क्लिक करेंगे। ठीक है, होम स्क्रीन लेआउट लॉक है, पहले तो इसको हम अनलॉक करते हैं। बैक करेंगे यहाँ पे, हम सेटिंग में जाएंगे तो ये जो आपका होम स्क्रीन लेआउट है ना, अगर ये इनेबल है तो अपनी स्क्रीन में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं हमारा, अगर आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपका कोई एप्लीकेशन रिमूव हो जाता है, कोई एप्लीकेशन हट के कहीं और पहुँच जाता है। तो अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर दोगे तो आपका जो जो एप्लीकेशन आपने जहाँ सेलेक्ट किया है वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, मतलब आपका होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो लॉक्ड हो जाएगा एक तरीके से और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अभी हम देखते हैं गाइस। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से विजिट्स पे जाएंगे और ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। अब इसका क्या काम है गाइस, आप समझ रहे हो, आपकी फ़ोन की स्क्रीन अगर आपका बाई चांस फ्यूचर में कभी आपका पावर बटन ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपका पावर बटन काम नहीं करता तो आप इस पर क्लिक करोगे फ़ोन की स्क्रीन लॉक्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम वापस से अगर हम सेटिंग में चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको सिंपल तरीके से होम स्क्रीन लेआउट का। मतलब कि होम स्क्रीन लेआउट का क्या मतलब है, आप देखें यहाँ पे अगर मैं 5x6 कर दूंगा तो हमारी स्क्रीन पे जो है एक रो के अंदर 5 एप्लीकेशन आ जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हो इस टाइप से। ये देखो अभी यहाँ पे केवल 4 एप्लीकेशन आ सकते थे, अब यहाँ पे 5 एप्लीकेशन आप एक साथ रख सकते हो। एक बार वापस से हम क्लिक करेंगे, देखो उसको अगर हम चेंज कर देंगे 4x6 तो देखो यहाँ पे 4 एप्लीकेशन रह जाएंगे। देखो ठीक है, 4 एप्लीकेशन से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 जो 5 वाला था वो यहाँ पे आ गया। मतलब कि एक रो के अंदर आप यहाँ पे केवल 4 एप्लीकेशन रख पाओगे। ओके, वापस से सेटिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल एप्स, इसका मतलब ये गाइस अगर आपने इसको इनेबल किया और आपने यहाँ से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ठीक है, तो उसका जगह जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लॉक होम स्क्रीन लेआउट, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपका होम स्क्रीन लेआउट जो वो चेंज नहीं हो सकता, जो एप्लीकेशन जहाँ है आपका वहीं रहेगा। बाकी हम मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टमाइजेशन की सारी सेटिंग्स है। अभी मैं आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप समझाने वाला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस स्वाइप डाउन स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन, अगर आप अपनी होम स्क्रीन से स्वाइप अप करोगे तो क्या खुल रहा है आपका यहाँ पे कंटेंट सेंटर खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल देखोगे तो स्वाइप अप करोगे ऐसे होम स्क्रीन से तो आपका यहाँ पे कंटेंट सेंटर खुल सकता है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो यूजली। ठीक है, सिंपल तरीके से वापस हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है आपको। दोबारा से सेटिंग में चलता हूँ मैं आपको अभी ईजिली समझाने के लिए। ओके, अगर यहाँ पे आप इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका ऑफ हो जाता है। स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, अगर आप सिंपल तरीके से स्वाइप डाउन करोगे होम स्क्रीन से तो आपका नोटिफिकेशन सेट खुल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट का, मतलब कि अगर हम होम स्क्रीन से स्वाइप डाउन करते हैं इस तरीके से, ये आपका होम स्क्रीन, अगर आप ऐसे स्वाइप डाउन करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुल जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपल तरीके से लॉक कर दोगे गाइस तो यहाँ पे आपका ये ऑफ हो जाएगा। आप चाहोगे तो ये आपका नहीं आ सकता, मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। वापस हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये सर्च पर मैंने क्लिक कर दिया। अगर मैं स्वाइप डाउन करूँगा, ठीक है, गॉट इट करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ यूजली।
ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी सर्च कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल खोलना है तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको ऊपर से ऐसे लाना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ और सेटिंग्स की तरफ, जो कि मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी हम चलते हैं अपने फोन की वापस से सेटिंग के अंदर। ओके, तो मैं सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपके फोन के अंदर यहाँ पे एक सिंपल से एक ऑप्शन मिलता है आपको, मोर कनेक्टिविटी एंड ऑप्शंस का। इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हॉटस्पॉट अगर आपको इनेबल करना है आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब कि आप अपने हॉटस्पॉट को शेयर कर सकते हो किसी भी फ्रेंड के साथ। आपके फ्रेंड के फोन में इंटरनेट नहीं है तब आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। वापस से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, रीसेट मोबाइल वाईफाई मोबाइल नेटवर्क। मतलब ये कि अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, बाई चांसेस होता है कि कई बार इंटरनेट नहीं चलता है, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हो। जैसे आपके फोन में नेट ठीक से नहीं आ रहा या फिर आपके फोन की वाईफाई अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से आप इसको रीसेट करोगे तो आपकी यहाँ से सिंपल तरीके से सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी, वाईफाई वाली, मोबाइल डाटा वाली, ब्लूटूथ वाली। मतलब कि अगर आपका फोन मोबाइल डाटा ऑन ऑफ होने में दिक्कत कर रहा है या फिर कई बार क्या होता है इंटरनेट नहीं चलता है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस सेटिंग को आप कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। गाइस बहुत ही ईजी है। डाटा यूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपने किस एप्लीकेशन के थ्रू कितना डाटा यूज किया है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मेरा बिल्कुल न्यू फोन है, मैंने इसके अंदर भी सिम भी नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है मोबाइल डाटा यूज 0 MB। ओके, अगर आप डिटेल रखना चाहते हो तो यूजली आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस इस फोन के अंदर एक फीचर्स और आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप वायरलेसली अपने फोन की डिस्प्ले दूसरे फोन से कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट टू ए डिस्प्ले वायरलेसली, अगर आपको डिस्प्ले कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिंपल तरीके से वाईफाई के थ्रू किसी भी अदर डिवाइस से इसका डिस्प्ले जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो कि काफी अच्छा फीचर हो जाता है, आप इसका इस्तेमाल जरूर से करिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम चलते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स पे। यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। पहली सेटिंग्स आप देख रहे हो जो कि आपको सबसे ऊपर स्लीप, इसका क्या काम रहता है गाइस, आपके फोन की जो स्क्रीन है जो ऑटोमेटिकली जलती रहती है। ठीक है, अब ये स्क्रीन ऑन है, अगर गाइस यहाँ पे एक मिनट तक हम इसको ऑन रहने देंगे तो अगर कोई भी चीज़ हम नहीं प्रेस करते, कहीं भी टच नहीं करेंगे, तो ये हमारी एक मिनट के बाद बंद हो जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो कई बार क्या होता है कि अपने फ़ोन के अंदर कुछ स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, कुछ फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, उनमें से वो दोबारा अपनी कॉपी में उसको नोट करते हैं। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ काम है जो कि अपना पढ़ के या फिर आर्टिकल पढ़ के नोट कर रहे हो बुक में। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स बढ़ा सकते हो। अगर तो मैं नेवर पे क्लिक कर दूंगा तो ये स्क्रीन जो है हमेशा के लिए ऑन रहेगी जब तक इस फोन की बैटरी डाउन नहीं हो जाती या फिर मैं पावर बटन प्रेस ना कर दूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो गाइस एक सेटिंग आपको मिल रही है यहाँ पे राइज टू वेक। इस सेटिंग का क्या काम होता है, ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है एग्जांपल के लिए, मेरा फोन यहाँ पे रखा हुआ है, इसका राइज टू वेक इनेबल है। जैसे फोन को उसको उठाऊंगा इस फोन की लाइट जल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे मेरा फोन लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है, फोन को ऐसे उठाऊंगा तो इस फोन की लाइट जल जाएगी और मेरा फेस के साथ ये फोन खुल जाएगा। तो इसको बोला जाता है राइज टू वेक, मतलब कि आपके लिए ईजी हो जाता है फोन को अनलॉक करना क्योंकि आपको पावर बटन प्रेस नहीं करना पड़ता। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेटिंग मिल रही है आपको, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन इज डिवाइस इज लॉक्ड। अगर आपका डिवाइस लॉक्ड है, कहने का मतलब ये इस तरीके से आपका डिवाइस लॉक है, आप डबल टैप करोगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। समझ रहे हो गाइस, इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रही है, वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस। ये सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग चैट करते हैं फिर जिनकी GF वगैरह रहती है। कई बार क्या होता है कि आप अपनी एक GF के साथ बैठे हो सकता है, GF अगर मल्टीपल बॉयफ्रेंड रखती हो, ऐसा होता है, तो आप किसी के साथ बैठे हो और आपके फोन में जैसे ये फोन रखा हुआ है आपका ऐसे, ठीक है, और आपके फोन की लॉक मतलब स्क्रीन ऑफ है, जैसे आपके पास कोई बंदा कॉल करेगा, ठीक है, या फिर सॉरी व्हाट्सअप करेगा, तो उसकी नोटिफिकेशन जल जाएगी, मतलब पता चल जाएगा आपको कोई नोटिफिकेशन आया है। तो इस सेटिंग को अपने हिसाब से आप ऑन ऑफ रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ग्लांस फॉर MI। इस सेटिंग का क्या काम है गाइज, अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हो, ऑन रखने के बाद आपको पता है कि आपकी जो होम स्क्रीन रहती है वहाँ पे गाइज लॉक स्क्रीन पे जो आपके वॉलपेपर वगैरह है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक सेटिंग मिल रही है आपको लॉन्च कैमरा। यहाँ पे आप देख रहे हो डुअल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन कैमरा व्हेन स्क्रीन इज लॉक्ड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है। स्क्रीन लॉक्ड है, हमको क्या करना है, डबल प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन। मैं आपको दिखा रहा था ये सेटिंग्स के बारे में, ऐसे करके तो मेरा यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। हम वापस से सेटिंग में चलते हैं क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे सेटिंग्स के अंदर ही होते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर वापस से आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्टाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाएगी, आप अपने फोन को एज अ आईफोन क्रिएट कर सकते हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हो, ठीक है, आइकॉन्स चेंज करने हो, लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन चेंज करना हो, लॉक स्क्रीन का लेआउट बदलना हो। ठीक है, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो लॉक स्क्रीन का स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखो ये वाला लॉक स्क्रीन का लेआउट है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ये भी है, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कई बार क्या होता है आईफोन में आजकल ऐसे वाले जो है कस्टमाइजेशन मिल रहे हैं आपको देखने के लिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे कस्टम पे। देखो ये आपका मैं डेट, यहाँ पे आपका जो ये है ना, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर आपको इसका फॉन्ट इसका बदलना है, देखो ये करना है, ऐसे करना है, कलर चेंज करना है तो उसका कलर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, मेरे को ये कलर रखने का है या फिर ये वाला रखने का है। ओके, हम ये कलर रख लेते हैं और इसको हम डन कर लेते हैं। ओके, फिल्टर लगाना है वो लगा सकते हैं,
ठीक है, इस टाइप से आपका फिल्टर चेंज कर सकते हो ओके, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, यूनिक हो जाता है थोड़ा। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे करके आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे आइकॉन्स हो गए, ये हमारे आइकॉन के स्टाइल हो गए, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन के जो आइकॉन्स हो आपको कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। इनका साइज यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो इस टाइप से ओके। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर हो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ग्रीन करना है ग्रीन कर लोगे, ठीक है, ब्राउन करना है ब्राउन कर लोगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सेटिंग्स जरूर समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ऑनलाइन वॉल पेपर वगैरह अगर आपको लगाने लगा सकते हो, बहुत सारे वॉल पेपर मिल जाएंगे आपको, और लगाना और भी लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर ही सकते हो यार, ये इसमें क्या ही कहने वाली बात है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको आ जाना है ओके। यहाँ से आप अगर डार्क मोड में स्विच करना चाहते हो, डार्क मोड में चले जाओ गाइस, रात हो गई आप डार्क मोड में स्विच कर जाओगे, आपकी आंखों पर इतना इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। लाइट मोड पाओगे वापस तो लाइट मोड पर भी आ सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। रीडिंग मोड का मतलब समझते हो आप, रीडिंग मोड एक ऐसी सेटिंग्स गाइस जो कि आपको मतलब प्रोवाइड कराती है एक फ्यूचर कि आप अपने फोन में काफी देर तक अपनी फोन में पढ़ाई करना चाहते हो या फिर कोई कोर्स करते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स फोन से बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए रीडिंग मोड काफी एक्टिवेट हो जाता है, स्क्रीन का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और आपकी आंखों पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सर्कल और क्लासिक दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हो। इसको अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो, शेड्यूल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि रात के 10 बजे से सुबह तक एक्टिवेट रहे या फिर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एक्टिवेट रहे, तो इसका भी आप ये कर सकते हो ओके। चलिए अभी हम इसको ऑफ करके बैक कर देते हैं क्योंकि मेरे आंखों पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आपके फोन के अंदर एक सेटिंग्स है जिसको बोला जाता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है गाइस, आपके फोन की स्मूथनेस, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड में देखो बोल ऐसा आएगा और हाई वाले में इस तरीके चलेगा, मतलब फोन की स्मूथनेस। कस्टम पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश रेट पे क्लिक करेंगे और 120 हर्ट्ज कर देंगे क्योंकि आपको इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है। जब आप इस फोन को चलाओगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा फोन को चलाने के लिए ओके। नीचे आप देखो देखोगे तो फॉन्ट और फॉन्ट की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। फॉन्ट सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये तो नॉर्मल सी सेटिंग्स है, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो ओके। फाइनली आप चलते हैं इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ जो कि आपको पहले शायद किसी ने नहीं बताई होगी ओके। चलिए एक सेटिंग्स और देख लेते हैं, वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वही चीज मैं आपको बताया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बैक करते हैं, अब चलते हैं गाइस यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी, फोन की सिक्योरिटी को लेके क्या रहता है कि आपका फोन कितना अच्छा है सिक्योरिटी, वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 3-4 टाइप के लॉक देखने को मिलते हैं। पहला गाइस स्क्रीन लॉक कर सकते हो नॉर्मली, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो, फेस लॉक भी आप लगा सकते हो, यूजली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड क्या होता है, इसके अंदर गाइस आप क्या क्या कर सकते हो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो फोटोज, ठीक है, फाइल्स और नोट्स। जैसे गाइस यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज हाइड करके रखे हुए होंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देखोगे तो योर प्राइवेट फोटोज विल बी स्टोर्ड हेयर, यूज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से जाएंगे ओके, और यहाँ पे हम एल्बम वाले सेक्शन में जाएंगे और ऐसे स्वाइप करेंगे नीचे की तरफ इस टाइप से, तो ये देखो यहाँ पे मेरे हिडन फोटोज आ जाते हैं, ठीक है। ये होता है प्राइवेट, प्राइवेट सिक्योरिटी। इसको आप तरीके से करोगे तो अपने फोटोज वीडियोज को हाइड कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए। ये मेरे फोटोज हैं कुछ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किए यहाँ से ओके, 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 3 4 कर लेते हैं ओके। यहाँ पे आप देखोगे ऐड टू एल्बम पे क्लिक करना है मैंने और यहाँ पे प्राइवेट एल्बम पे क्लिक कर लेना है, ओके पे क्लिक करूंगा। अब गाइस ये मेरे फोटोज यहाँ से हाइड हो जाते हैं। देखने के लिए क्या करना है मुझे, एल्बम में आना है, ठीक है, और ऐसे स्वाइप करना है और ये खुल जाएगा, पासवर्ड डाल के अनलॉक करना है मुझे। इस तरीके से गाइस मेरे फोटोज देखो यहाँ पे आ जाते हैं। इस टाइप से आप प्राइवेट में इनको हाइड कर सकते हो ओके। आई होप कि आप समझ ही रहे होगे ना, तो इस टाइप से आप करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। फिलहाल तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। सेम तरीके से गाइस मैसेज को प्राइवेट कर सकते हो, फाइल्स को प्राइवेट करना है तो फाइल्स को प्राइवेट कर सकते हो, नोट्स को प्राइवेट करना है नोट्स को प्राइवेट कर सकते हो। अगर आप फिंगरप्रिंट के साथ उसको अनलॉक करना चाहोगे तो वो फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है ओके। चलिए बैक चल लेते हैं। प्राइवेसी पासवर्ड आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कि आपको मैंने अभी बता दिया, ये देखो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इस चीज़ की भी। बैक करते हैं, सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, इनका आप इस्तेमाल करिएगा गाइस अपने फ्यूचर्स के अंदर। ऐप्स वाले सेक्शन में हम चलते हैं। ऐप्स वाले सेक्शन में आके आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, एक तो ऐप लॉक, अगर आपको अपने फोन का ऐप लॉक करना है तो वहाँ पे आप इजीली आके कर सकते हो। उस पर क्लिक करके सारी सेटिंग्स आप करोगे हो जाएंगी इस टाइप से और आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को लॉक करके रखा हुआ भी है ओके। नहीं होता है तो पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। डुअल ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से कोई भी आप डुअल एप्लीकेशन बना सकते हो। कई बार क्या होता है मल्टीपल जीएफ होने के कारण या फिर मल्टीपल बीएफ होने के कारण आपको मल्टीपल व्हाट्सअप चाहिए होते हैं, क्योंकि एक तो आपका नॉर्मल व्हाट्सअप होता है, उस व्हाट्सअप से आप डुअल व्हाट्सअप बना सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेंजर को इंस्टॉल करने के बाद उसका डुअल बना सकते हो, मतलब कि 4-5 गर्लफ्रेंड या फिर 4-5 बॉयफ्रेंड आप इजीली हैंडल कर सकते हो इस फोन के इस फीचर की मदद से ओके। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो सारे लोग जानते हैं। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग सेटिंग जो कि आपकी बैटरी लाइफ बचाएगा। बैटरी पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो करंट आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह, यहाँ पे आपने कितना कितना यूज़ किया आप सब देख पाओगे ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एडिशनल फीचर्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए स्पीड चाहिए तो आप सेटिंग को इनेबल कर लेंगे। सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपका फोन थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा ओके।
यहाँ पे आप देखोगे गाइज तो आपका 5G बैटरी सेवर ये वाला सेटिंग्स आपको इनेबल रखना है, ताकि गाइज आपका क्या है कि 5G नेटवर्क के साथ साथ अगर गाइज जैसे 5G नेटवर्क जब नहीं आते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, तो बैटरी ज़्यादा यूज़ करता है, तो इस सेटिंग को अगर आप इनेबल रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, थोड़ा नीचे आते हैं, ये सारी सेटिंग्स क्लियर हो गई। फ्लैश नोटिफिकेशन, अब आप देखोगे तो इस फोन के अंदर आपको एक फीचर देखने को मिलता है, ये है फ्लैश लाइट। ठीक है, फ्लैश लाइट के साथ फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैश लाइट पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आएगी, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आएगी फोन्स पे, तब आपके पास फ्लैश लाइट जलेगी, आपका अलार्म चलेगा तब भी आपकी फ्लैश लाइट जलेगी, फिर भी देखना आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर भी, ठीक है, इस टाइप से ये देखो। ओके, तो इस टाइप से आपकी फ्लैश लाइट वाली सेटिंग काम करेगी। आई होप सो कि आप समझ रहे हो ना, फीचर्स कमाल है इस फोन के अंदर। बस मैं आपको क्या है वन बाई वन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप इस फोन को यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आपको फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेटिंग मिल रही है आपको, डिजिटल वेलबींग पैरेंटल कंट्रोल्स। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप चाहते हो कि गाइज आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में रहते हो, और उस दौरान आपको कोई बंदा कॉल या मैसेज ना करे या फिर आपको डिस्टर्ब ना करे, तो वो सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कर सकता हूँ। कि अगर आप चाहते हो उस टाइम कि आपको कोई भी एप्लीकेशन, जैसे आपके फ्रेंड्स लोग आपको इंस्टाग्राम पर बार बार रील्स भेजते होंगे, आपको डिस्टर्ब होता होगा, तो इंस्टाग्राम आपका बंद हो सकता है उतने टाइम के लिए, एक्चुअली वो काम ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, ओके, थोड़ा नीचे आपको चले जाना है फोकस मोड के, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो फोकस मोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से इस सेटिंग को आप ऐसे अभी मैं एकदम नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, अपने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया फेसबुक की, फेसबुक मेरे को उस टाइम नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फेसबुक मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा फेसबुक नहीं चलेगा जब तक मैं ना चाहूँ, ठीक है, टर्न ऑन कर लेंगे इसको, ये ऑन हो गया। अब ना मेरा फेसबुक चलेगा, ना नेटफ्लिक्स, ना अमेजोन। इसके अंदर अगर आपको वो लगाना है शेड्यूल, तो वो आप लगा सकते हैं, एक शेड्यूल लगा सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मैं काम करना चाहता हूँ, उस टाइम ये नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा हो, सिंपल तरीके से अमेजोन था, देखो उस पर मैं क्लिक करूँगा ये मना कर देगा। ओके, तो इस टाइप से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको काफ़ी मतलब बढ़िया है आपके लिए, आप डेफिनेटली इसको यूज़ जरूर से करना चाहें। अब आते हैं हम DND के बारे में, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉल वगैरह नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, तो DND पे आप क्लिक करेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लेंगे। जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करेंगे गाइज, आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अलार्म, कोई भी रिमाइंडर, कोई भी इनकमिंग कॉल का ऑडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आने वाला। बैंड डिवाइस इज ब्लॉक्ड, इसको इनेबल कर लोगे, ठीक है। और आपके पास अगर आप चाहते हो कि रिपीटेड कॉल्स, एक बंदा आपको बार बार कॉल कर ले, आपकी फैमिली में हो सकता है, कई बार क्या होता है इमरजेंसी होती है, तो सेम नंबर से अगर आपको 15 मिनट के अंदर कॉल आई है, तो आपका फोन रिंग कर जाएगा। ओके, तो DND का भी इस्तेमाल आप कर ही सकते हो। क्लियर है, फीचर्स अच्छे लग रहे होंगे, डेफिनेटली अच्छे लग रहे होंगे। चलिए एडिशनल सेटिंग के अंदर चल लेते हैं, एडिशनल सेटिंग में मजा आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सिंपल से मैं बताता हूँ क्या सेटिंग्स हैं। शॉर्टकट्स पे जाएंगे हम, जस्टर शॉर्टकट्स पे, आप इनको शॉर्टकट्स को समझ लो अच्छे से, बहुत बढ़िया चीज़ है। लॉन्च गूगल असिस्टेंट, अगर आपको गूगल असिस्टेंट लॉन्च करना है, तो आपको सिंपल तरीके से सेटिंग को ऑन कर लेना है, और आप अपने बटन को, पावर बटन को प्रेस रखोगे 0.5 सेकंड, तो आपका गूगल असिस्टेंट यहाँ पे खुल जाएगा इस टाइप से। ओके, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पावर बटन केवल मेरा फोन को स्विच ऑफ करने के काम आए, ठीक है। दोनों सेटिंग्स आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आपको, सिंपल तरीके से स्लाइड डाउन करके ऑन रखना है, ये सेटिंग स्लाइड डाउन 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन इस तरीके से सेटिंग करोगे, तो भी गाइस आप यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करोगे पावर बटन के साथ, जैसे कि वॉल्यूम डाउन और पावर बटन के साथ मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ इस टाइप से, तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यूजुअली ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना यार, इस टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्च कैमरा, डोल प्रेस पावर बटन, मैंने आपको बताया था डोल प्रेस करोगे आप वॉल्यूम डाउन बटन को या पावर बटन को, ठीक है, तो आप कैमरा को ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर डोल प्रेस करेंगे हम वॉल्यूम डाउन बटन, जब हमारे फोन की स्क्रीन लॉक्ड होगी तब खुल जाएगा। डोल प्रेस करेंगे हम पावर बटन को, जैसे मैं ही डोल प्रेस कर देता हूँ इस तरीके से, तो गाइस यहाँ पे देखो कैमरा खुल गया। ओके, तो ये सेटिंग्स हैं यार, इनका इस्तेमाल जरूर से करो आप, काफ़ी अच्छी सेटिंग्स दी गई हैं आपके फ़ोन के अंदर। टर्न ऑन टॉर्च, अगर आपको टॉर्च ऑन करनी है तो आप यहाँ पे इस रिप्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पावर बटन से टॉर्च ऑन कर पाएंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने ऑन कर दिया, ये देखो जल भी रही है। ओके, बैक कर लेता हूँ मैं, इसको ऑफ ही कर देता हूँ, और इस फीचर को हम कर लेते हैं बैक। डोल प्रेस करेंगे वापस से, हमारी लाइट जो है वो गाइस ऑफ हो जाएगी। फिलहाल ऊपर से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने उसको वहाँ से ऑफ कर दिया है। ये सारी सेटिंग्स आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर पर हम डबल टैप करते हैं, क्या होता है, कैलकुलेटर खोल रहा है ना, आप चाहो तो यहाँ से कोई भी चीज़ खोल सकते हो, साइलेंट मोड, लॉन्च कैमरा एंड नोटिफिकेशन सेट। जैसे मैं नोटिफिकेशन खोलना चाहूँगा, ठीक है, तो देखो गाइस नोटिफिकेशन सेट खुल गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ मेरा कंट्रोल सेंटर खुले, तो देखो गाइस कंट्रोल सेंटर आ गया नीचे। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो ये सारी सेटिंग्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखो एक सेटिंग्स है आपके फ़ोन के अंदर, वन हैंड मोड, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये वन हैंड मोड कैसे काम करेगा, इसको सिंपल तरीके से हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपको बस ऐसे करना है, ठीक है, स्वाइप डाउन करना है इस टाइप से। ओके, वन हैंड मोड को यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं पहले। वन हैंड मोड ऑन हो गया हमारा, बैक करेंगे यहाँ से, तो वन हैंड मोड इस टाइप से हमारा काम करेगा, आई थिंक करना चाहिए, बट हो नहीं रहा अभी। ओके,
वन हैंड मूड एक सेकंड, इसके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सेटिंग में, उसके बाद मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोटिंग विंडोज कब तो मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस ये देखो आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, ये देखो ठीक है, इसको यहाँ पे हम खोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल अगर आपको काम करने हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पूरी स्क्रीन पर लाना है पूरी स्क्रीन पर ला सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ और खोलना है, क्रोम खोलना है तो ऐसे क्रोम खोल सकते हो। अगर आपको इसको शेयर करना है टू स्क्रीन में तो टू स्क्रीन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ऊपर क्रोम खुल गया ठीक है, नीचे आपका ये खुल गया। इस टाइप से आप करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। अगर ऐसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक चीज़ और खुल जाए, म्यूज़िक खुल जाए, तो ऊपर हमारा म्यूज़िक खुल जाएगा, नीचे हम कोई भी डबल एप्लीकेशन चला सकते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं वापस से, एडिशनल सेटिंग में ही आएंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके घर में दो लोग हैं, आपका भाई है, आपका फ्रेंड्स है या कोई भी है, घर में दो लोग हैं, वाइफ है, मतलब कोई भी है, आप चाहते हो कि एक फ़ोन में आप लोगों का अलग अलग डाटा रहे, अलग अलग यूज़ करने का तरीका रहे, तो यहाँ पे एक सेटिंग मिलती है सेकंड स्पेस पर, आप क्लिक करेंगे तो टर्न ऑन सेकंड स्पेस पर हम क्लिक करेंगे, मतलब एक फ़ोन के अंदर दो फोन हो जाएंगे, एक का पासवर्ड अलग होगा, एक का पासवर्ड अलग होगा, समझ रहे हो आप। मतलब आप अपना पासवर्ड डालोगे तो अपने काम करने लगोगे, आपका फ्रेंड्स अपना पासवर्ड डालेगा तो अपने हिसाब से काम करेगा, मतलब दो फोन बन जाएंगे आपके फोन के अंदर, टू स्पेस इन वन डिवाइस, मतलब फोन आपका एक ही है बट उसके अंदर स्पेस दो हो जाते हैं। थोड़ा लैगी है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि सारी चीज़ सेटअप होती है, सारी चीज़ इंस्टॉल होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपका। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि एक फ़ोन से आपके देखो एक फ़ोन ये हो गया ठीक है, और एक फ़ोन मेरा पहले से ही है, मैं इसको सिंपल तरीके से क्रिएट हो गया, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और गाइस यूजिंग पासवर्ड, यूजिंग शॉर्टकट्स, आप जो कर रखना चाहो रख सकते हो, यूजिंग पासवर्ड ठीक है, सेकंड स्पेस पासवर्ड, अगर आपको दूसरा फ़ोन का पासवर्ड क्या रखना है आप वो रख सकते हो, सेट नाउ पे क्लिक करके मैं रखता हूँ इसका ये वाला पासवर्ड। ओके, तो मैंने इसका पासवर्ड रख दिया ठीक है, यहाँ पे मेरा पासवर्ड, यहाँ पे मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ, पहले आपको वो वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा, पहला वाला ठीक है। ओके, अब आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, ये देखो मैंने नया पासवर्ड सेट किया, उसको डाल के कन्फर्म करूँगा मैं, तो आप जो है दो फ़ोन चला सकते हो, समझ रहे हो आप, ठीक है, समझदार हो, बाकी आपको इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसके अंदर से निकल जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, नया फोन पूरा सेटअप हो चुका है, ये देखो ये फोन अलग है, इसका वॉलपेपर अलग है और वो फोन पूरा अलग था, मैंने फोन को कर दिया लॉक फिलहाल ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीके से फोन को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आप स्वाइप करोगे, थोड़ा आपका फोन सेटअप होता है ना तो थोड़ा टाइम लेता है ठीक है, यूजुअली यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्वाइप करेंगे। अब मैंने डाला अपना पुराने वाले फोन का लॉक, मतलब मेरा जो फोन था पहले उसका वाला लॉक डाला, तो गाइस वापस से ही मेरा पहले वाले फोन के अंदर आ चुका है, देखो जहां मैंने छोड़ा था वहीं पे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो, फोन थोड़ा आपका एक बार सेटअप हो जाता है तो इस तरीके से देखो आपका DND ऑन हो गया, जो कि ऑन था, मतलब जैसे आपने फोन छोड़ा था वैसे आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर देना, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस ये थे कुछ सेटिंग्स, आई होप कि आपको मैंने सारे समझा दिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आप किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।